Hello students, our today's topic is scope of statistics. हमने बताया आपको कि statistics क्या होती है. Statistics refers to data और methods of collecting data. हमने statistics के definition पढ़ी plural sense में और singular sense में. Plural sense में हमने ये कहा कि statistics जो है वो क्या करती है, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट को रीड करती है जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से अफेक्टेड होते हैं. उसकी हमने बहुत सारी फीचर्स पढ़ी. नेक्स्ट हमने कहा कि सिंगुलर सेंस में स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टैटिकल मेथड, मींस डाटा का कलेक्शन करेंगे, फिर उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे डाटा का, एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे. फिर हमने स्टैटिकल टूल्स पढ़े. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ स्टैटिक्स. स्टडी ऑफ द स्कोप ऑफ स्टैटिक्स इंक्लूड, जो स्कोप ऑफ स्टैटिक्स होती है बेटा वो थ्री थिंग्स को इंक्लूड करती है. फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ स्टैटिक्स, कि स्टैटिक्स का नेचर क्या है. सेकंड वन इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स, सब्जेक्ट मैटर क्या है स्टैटिक्स का. एंड थर्ड वन इज लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स की जो कमियां हैं वो क्या हैं. ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे नंबर वन नेचर ऑफ स्टैटिक्स. हियर वी स्टडी स्टैटिक्स एज साइंस और आर्ट. हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि स्टैटिक्स का जो नेचर है वो साइंस है या फिर वो आर्ट है. डिफरेंट इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिशियन डिफर ऑन दिस पॉइंट, मतलब जो जितने भी इकोनॉमिक्स थे और जो स्टेटिशियंस थे उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस थे इस पॉइंट को लेके. किसी ने कहा कि स्टैटिक्स साइंस है, किसी ने कहा स्टैटिक्स आर्ट है. क्योंकि जिसने जिस एंगल से स्टैटिक्स को देखा उसी ने स्टैटिक्स को वैसे ही डिफाइन कर दिया. लेकिन एक इकोनॉमिक्स थे टिपेट, उन्होंने कहा स्टैटिक्स इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट. मतलब उन्होंने कहा कि स्टैटिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है. कैसे, उन्होंने कहा एज ए साइंस इट स्टडीज द स्टैटिक्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर. स्टैटिक्स जो है वो साइंस इसलिए है क्योंकि ये जो भी रिलेटेड डेटा होते हैं उनको सिस्टमैटिक मैनर में रीड करती है. नेक्स्ट कहा एज एन आर्ट इट यूजेस स्टैटिक्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ रियल लाइफ. और ये आर्ट भी है क्योंकि ये रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल साइंस कैसे है. हमने ये कहा कि लेट्स सपोज इन इंडिया देर इज ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो हम क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटा को सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करेंगे. सिस्टमैटिक मैनर का मतलब क्या हुआ, हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन के अकॉर्डिंग, जो भी रीजन है उनके अकॉर्डिंग डाटा को इकट्ठा करेंगे. सेकेंड थिंग है हम रीजन वाइज डाटा को कलेक्ट करेंगे. ठीक है, रीजन जो हो गया वो क्या हो गया, रूरल भी हो सकता है और अर्बन भी हो सकता है. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे वो सिस्टमैटिक मैनर में कलेक्ट करेंगे. हमने रीजन वाइज डेटा कलेक्ट किए कि रूरल जो एरियाज हैं वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट कितना है और अर्बन एरियाज में कितना है. सेकेंडरी हम ये देखेंगे कि जो स्टेट वाइज है, हरियाणा में कितना है, पंजाब में कितना है, यूपी में कितना है. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, उनको उनका कंक्लूजन निकालेंगे. तो हमने का क्या कहा, स्टैटिक्स जो होती है वो जो भी डेटा होते हैं उनको सिस्टमैटिक मैनर में रीड करेगी तभी कंक्लूजन निकाल पाएंगे. इसलिए स्टैटिक्स क्या हो गई, साइंस हो गई, क्योंकि साइंस भी क्या करती है, सिस्टमैटिक मैनर में काम करती है. सेकेंड थिंग इज आर्ट.
आर्ट जो है उसमें हमने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक तरीके से रीड कर रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लम है वो हमारी रियल लाइफ की प्रॉब्लम ही तो है, तो उसको क्या कर रही है, सोल्व कर रही है। इट मीन्स क्या हो गया, स्टैटिक्स इज बोथ साइंस एंड आर्ट। ओके, दिस इज द नेचर ऑफ स्टैटिक्स। तो हम क्या कहेंगे, स्टैटिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स जो है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स कैन बी स्टडीड अंडर टू हेडिंग आर गिवन बिलो। कहते हैं एक तो होते हैं सब्जेक्ट मैटर में स्टैटिकल मेथड्स होते हैं और एक अप्लाइड स्टैटिक्स होती है। अब ये बहुत, इनका क्या मीनिंग है वो हम समझेंगे। सबसे पहले हमने कहा स्टैटिकल मेथड्स, हम कहेंगे दीज इंक्लूड कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा रिलेटेड टू द इंक्वायरी। जो भी हमारी इंक्वायरी है उससे रिलेटेड हमारे क्या स्टेप्स होते हैं, हम कलेक्शन करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, प्रेजेंटेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे और इंटरप्रिटेशन करेंगे। दिस हैज ऑलरेडी बीन एलेबोरेटेड, हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि कलेक्शन किन मेथड से करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन किन मेथड से करेंगे, प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या वे हो सकते हैं, एनालिसिस कैसे करेंगे और उनकी डेटा की सेंस कैसे निकालेंगे और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, ये क्या थे, स्टैटिकल मेथड्स। अब बेटा ये चीज ध्यान से समझने वाली है कि जो डेटा जो होते हैं उनको स्टैटिकल मेथड्स की हेल्प से हम कलेक्ट करते हैं, और जो स्टैटिकल मेथड्स होते हैं वो डेटा को क्या कर देते हैं, सिंपल बना देते हैं और इंफॉर्मेटिव बना देते हैं ताकि हम उनसे प्रॉपर कंक्लूजन निकाल सकें। तो जो मेथड्स हैं उनके बेस पे ही हम डाटा का इलिजिबल यूज कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, मेथड्स जो होते हैं वो कितने होते हैं, फाइव। कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, दीज आर स्टडीड अंडर स्टैटिकल मेथड्स और स्टैटिकल टूल्स। सेकेंड थिंग इज अप्लाइड स्टैटिक्स। अप्लाइड स्टैटिक्स क्या होती है, देखो स्टैटिक्स डिस्क्राइब्ड अबो गिव अस द नॉलेज ऑफ द थ्योरी। क्या करती है, हमें थ्योरी की नॉलेज देती है, हाउ टू ब्रिंग दोज पॉलिसीज इन टू प्रैक्टिस। मतलब जो स्टैटिक्स की जो चीजें हैं जिनको हमने पढ़ना है उनको हम प्रैक्टिस में कैसे पढ़ेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे लाइफ में, तो वो क्या होती है, अप्लाइड स्टैटिक्स होती है। इट कैन बी डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। जो अप्लाइड स्टडी स्टैटिक्स जो होती है बेटा वो थ्री कैटेगरीज में होती है। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिक्स, सेकेंड वन इज साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिक्स एंड थर्ड वन इज बिजनेस स्टैटिक्स। अब बेटा क्या है, हमारी जो प्लस वन स्टैंडर्ड है उसमें इतना डिटेल से उसको एक्सप्लेन नहीं किया। हमारे यहाँ पे ऐसे कहे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स में सिर्फ टू टाइप से हमें स्टैटिक्स को पढ़ना है, फर्स्ट वन इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स एंड सेकेंड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। अब देखो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस ऑफ डेटा। मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का मतलब होता है कोई भी आपकी प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम को सिस्टमैटिक तरीके से जो भी स्टैटिकल मेथड्स हैं उनके अकॉर्डिंग सारे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एनालिसिस करोगे और उसको इंटरप्रेट करोगे। इट मीन्स दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स का मतलब होता है हर चीज को डीपली वन बाय वन एनालाइज करना। तो जो हम स्टैटिक्स को पढ़ेंगे उसमें एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें ये देखना है कि सेकेंडरी स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एवरेज हाइट क्या है। ठीक है, एस्टिमेट करना है एवरेज हाइट ऑफ सेकेंडरी स्टूडेंट्स।
हमें एवरेज हाइट देखनी है सेकेंडरी स्टूडेंट्स की, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से डाटा का कलेक्शन करेंगे, फिर उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उनको प्रेजेंट करेंगे, उनसे एनालिसिस करेंगे और फिर इंटरप्रेट करके, फिर आफ्टर दैट जो कॉन्क्लूजन निकलेगा उसके बेस पे हम ये कहेंगे कि जो सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज हाइट ये होती है। ठीक है, दिस इज डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। नेक्स्ट थिंग बेटा, नेक्स्ट है हमारी इन्फेंशियल स्टैटिक्स क्या होती है। देखो, इट रेफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय विच कंक्लूजन आर ड्रॉन रिलेटेड टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल्स। देखो बेटा, हमने ये कहा कि यहाँ पे हमें क्या करना है, ईच एंड एवरी आइटम को रीड नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो सैंपल बेस पे निकलेगा। तो सबसे पहले तो ये बात आती है कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या होती है। जैसे सपोज दैट हमने ये कहा कि 1000 स्टूडेंट्स हैं और 1000 स्टूडेंट्स में से आपको सैंपल निकालने हैं और उसके बेस पे आपको अपनी कंक्लूजन निकालना है, अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। तो हमने ये कहा कि जो 1000 स्टूडेंट हो गए वो क्या हो गए, पॉपुलेशन या फिर यूनिवर्स। मीन्स क्या हुआ, जो भी हमारी स्टैटिकल इंक्वायरी है उनमें जो रिलेटेड टर्म्स हैं, यूनिट्स हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे। ठीक है, तो हमारी यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या हो गए, 1000 स्टूडेंट्स हो गए। अब हमने क्या करना है, एवरेज हाइट निकालनी है, तो हम ईच एंड एवरी आइटम को नहीं पढ़ेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ सैंपल्स ले लेंगे। वो डिपेंड करता है हमारी चॉइस के ऊपर कि हम 10 सैंपल ले रहे हैं, 8 सैंपल ले रहे हैं, और उनके बेस पे जो हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो इस टाइप से जो हम स्टैटिक्स पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स। ठीक है, दिस इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, नेचर में क्या पढ़ा हमने, स्टैटिक्स जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है। और सब्जेक्ट मैटर में हमने पढ़ा कि जो स्टैटिक्स जो होती है उसमें हम टू टाइप की स्टैटिक्स को पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मेथड स्टडी करना, और इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है स्टैटिक्स में जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें से सैंपल बेस पे स्टडी करना। ओके, दिस इज द नेचर ऑफ स्टैटिक्स एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स।